हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक मैं जो इस वीडियो में कवर करने वाला जा रही हूँ वो है हाउ टू यूज़ कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट इन केस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कैम्ब्रिला के ऊपर जो है हाउ टू यूज़ अ कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट इन केस ऑफ उन स्टॉक्स। सो अगर आपने अगर तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं बताऊँगी कि मैं कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट को यूज़ करके निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड लेती हूँ। गाइस, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो कि कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट को आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट की जो एक्यूरेसी है ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, वो बाकी पिवट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे एक बार बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा, इसे लाइव मार्केट में ट्रस्ट कीजिएगा, देन यू विल रियलाइज बाय योर सेल्फ कि कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी पे काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं और काफ़ी अच्छी एंट्रीज और एग्जिट हमें देते हैं। सो यू जस्ट ट्राई दिस आउट इन योर लाइव मार्केट। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे और लोगों के पास पहुंच सके। गाइज, इसके अलावा मैं डेली अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, अपने जो मेरे फिबो के ट्रेड्स हैं, आई डेली शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आई विल स्टार्ट शेयरिंग द कैम्ब्रिला चार्ट एनालिसिस ऑल्सो और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और डेली बेसिस। तो अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ चार्ट कि हाउ टू यूज़ अ कैम्ब्रिला पॉइंट पिवट पॉइंट इन द केस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको ये बताना कि हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट। हम कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट की हेल्प से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लेंगे। गाइज, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो थी हाउ टू टेक अ ट्रेड इन स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट, कि हम कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट की हेल्प से स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लेंगे। जो रूल्स है वो काफी सेम है, ऑलमोस्ट एंट्री रूल्स, जो एंट्री रूल्स हैं जो स्टॉक्स के और बैंक निफ्टी के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, एंट्री रूल्स हैं वो काफी सिमिलर है, उसमें इतना चेंजेस नहीं है। बट चेंजेस क्या है कि क्योंकि स्टॉक्स और इंडेक्सेस हमेशा डिफरेंट बिहेव करते हैं, सो हाउ टू पुट अ स्टॉप लॉस और हाउ टू पुट अ टारगेट। तो जो टारगेट हम कैसे पुट करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कैसे पुट करेंगे वो थोड़ा सा वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम स्टॉक्स में जो मैं स्टॉप लॉस पुट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला, बेसिक कैम्ब्रिला, दैट इज डिफरेंट। बट जब मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करती हूँ तो हाउ आई पुट अ स्टॉप लॉस और टारगेट विद द हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला, दैट इज डिफरेंट। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं बैंक निफ्टी में विद द हेल्प ऑफ बेसिक कैम्ब्रिला मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। सबसे पहले मैं क्या आपको चार्ट पे कैम्ब्रिला प्लॉट करके दिखा देती हूँ मैं कैसे प्लॉट करती हूँ। आप इंडिकेटर्स में जाइएगा, यहाँ पे आप पिवट टाइप करेंगे, जैसे आप पिवट टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जस्ट सिलेक्ट दैट। जैसे आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये पिवट पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके सेटिंग में जाइएगा, इनपुट्स में जाइएगा, इनपुट्स में जाके टाइप में जाके जो पिवट पॉइंट की टाइप है उसको कैम्ब्रिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सारी सेटिंग हमारी डिफॉल्ट है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। स्टाइल में जाके आपको पी को हटा दीजिएगा, बाकी R1, R2, R3, R4 इनको सेलेक्ट करके प्लॉट कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चार्ट पे पिवट पॉइंट प्लॉट हो गए हैं, कैम्ब्रिला पिवट पॉइंट प्लॉट हो गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। चार्ट का टाइम फ्रेम 5 मिनट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, और इसका टाइम फ्रेम कुछ नहीं है, 5 मिनट है। और इसके अलावा कोई और इंडिकेटर मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। जब भी मैं बेसिक कैम्ब्रिला से ट्रेड करती हूँ तो मैं सिर्फ कैम्ब्रिला ही ऐड करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट चार्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेंगे, किस हमारे जो ट्रेडिंग रूल्स है कैम्ब्रिला से निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसे है। कैम्ब्रिला स्ट्रेटजी से जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो चार टाइप के ट्रेड होते हैं। मतलब जब हमें ये देखना होता है कि प्राइस इस चार जोन में है, चार तरह के जोन में होता है, उन जोन में होता है, उसके बाद किस जो भी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करता है, तो हाउ वी टेक अ ट्रेड। पहला जो जोन होता है प्राइस इज बिटवीन R3 S3, दूसरा जो जोन होता है प्राइस इज बिटवीन R3 R4, तीसरा जो जोन होता है वो होता है प्राइस इज बिटवीन S3 S4, और चौथा जब जोन होता है कि प्राइस इज आउटसाइड ऑफ S4 एंड R।
ये चार जोन होते हैं जिनमें हमारा प्राइस होता है, उसी चार जोन में हम आगे डिसाइड, मतलब उस चार जोन के बाद वो कैसे किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करता है, उसके बाद हम वी प्लान आवर ट्रेड। सो इन चार जोन में मैं आपको बताऊंगी, जब ये प्राइस इन चार जोन में होता है बैंक निफ्टी के, तो हम उसके बाद कैसे इसका ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इज बिटवीन R3 एंड S3। प्राइस इज बिटवीन R3 और S3 से मेरा मतलब है प्राइस इज बिटवीन दीज टू जोन, ये जो हमारा S3 और R3 के बीच में, जो इन दोनों जो प्राइस इन दोनों जोन के बीच में है, तो देन हाउ विल टेक अ ट्रेड, हम इन दोनों जोन के बीच में प्राइस होगा तो हम कैसे ट्रेड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले When the price touches S3 and gave reversal, it means price is strong. What I mean by price touches S3? See the price is moving between R3 and S3 and touches S3. मतलब इस S3 को इसने touch किया या इसके नीचे जाके इसने reversal दे दिया या इसको test करके इसने reversal दे दिया, तो we will find it out that price is strong. मतलब जो हमारा data है वो price जो है bank Nifty वो strong है, तो यहाँ पे we can take a long trade. यहाँ पे हम इतना एक long trade plan कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने candles यहाँ आई, मतलब price S3 से नीचे गया, वापिस आया reversal, यहाँ पे एक candle close हो गई जिसकी क्लोजिंग होगी S3 से ऊपर। यहाँ पे S3 के ऊपर हमारी किसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, हमें ये समझ आ जाएगा यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग है। व्हेन विल टेक अ ट्रेड, जैसे इस कैंडल क्लोजिंग के हाई ब्रीच होगा, जैसे ही कोई नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रीच करेगी, ब्रेक करेगी, तो वी विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, सो जब प्राइस, व्हेन द प्राइस टचेज S3 एंड गिव रिवर्सल, इट मीन प्राइस इज स्ट्रॉन्ग एंड वाई कैन वन कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड हियर इफ द फॉलोइंग कैंडल ब्रेक इट्स हाई। हमारा अगर अगर जैसे प्राइस नीचे गया, उसने वापस यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पे कैसे कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई जिसका जो क्लोजिंग थी वो S3 से ऊपर थी, तो वी गॉट अ सिग्नल दैट की प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रीच करेगी, वी विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ R1। हमारा टारगेट क्या होगा? R1। ठीक है, इस केस में हमारा टारगेट होगा R1। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर कोई भी कैंडल, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? कोई भी कैंडल S3 के नीचे क्लोजिंग दे देती है दोबारा, मतलब S3 के नीचे रिवर्सल दे देती है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर देती है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसी के मान लीजिए प्राइस ऊपर गया, वापस रिवर्सल हो गया, कोई कैंडल ने S3 के नीचे ऐसे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रीच कर दिया, तो वो हमारा SL होगा। ठीक है, तो दिस इज द रूल विच आई फॉलो व्हेन आई टेक अ ट्रेड विथ S3 रिवर्सल इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि प्राइस ने S3 को टच किया, किसकी? रिवर्सल का सिग्नल मिला। अगर हमारी कोई क्लोजिंग किसी कैंडल ने वापस S3 से ऊपर दे दी और अगर नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे हम अपने एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे जिसका हमारा टारगेट क्या होगा? R1, और जिसमें हमारा SL का होगा, कोई भी कैंडल अगर S3 के नीचे क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर देती है, तो दैट इज आवर SL। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। दूसरा दूसरा कौन सा ट्रेड होता है जब प्राइस R3 और S3 के बीच होता है? दूसरा हमारा ट्रेड कब बनता है? व्हेन द प्राइस टचेस R3 एंड गिव रिवर्सल, कि यहाँ पे प्राइस ने ऊपर कैंडल्स गई, यहाँ पे हमें R3 में रिवर्सल मिल गया, या प्राइस ने R3 को टच किया और यहाँ पे रिवर्सल दिया था, तो कोई रेड कैंडल जब यहाँ पे बनेगी जिसकी क्लोजिंग R3 से नीचे होगी और अगर नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो को ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। सो देन वी विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ F1। ठीक है, और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस सेम होगा, R3 के ऊपर अगर कोई कैंडल ने क्लोजिंग दे दी और अगली कैंडल ने उसके हाई को ब्रीच कर दिया, तो दैट इज आवर स्टॉप लॉस। So when the price touches R3 and give reversal, it means the price is weak. One can take a short trade here if the following candle breaks its low for the target of S1. SL is candle closing above R3 and next candle breaks is high. So this is a rule which I follow when the price is between R3 and S3. तो यहाँ पे दो ही तरह के ट्रेड लेते हैं, या तो R3 रिवर्सल या S3 रिवर्सल। ठीक है, जब प्राइस इन दोनों प्राइस R3 और S3 के बीच में ट्रेड घूम रहा है, तो इसका मतलब या तो R3 रिवर्सल का ट्रेड लेंगे हम, या S3 रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी जोन है? नेक्स्ट जोन है व्हेन द प्राइस इज बिटवीन R3 एंड R4। जब प्राइस हमारा R3 और R4 के बीच में है, तब हम ट्रेड कैसे लेंगे?
वट आई मीन बाय आर थ्री आर फोर, वट आई मीन बाय आर थ्री आर फोर, जब प्राइस इन दोनों जोन के बीच में है, आर थ्री और आर फोर के जोन के बीच में है, तब हम कैसे ट्रेड लेंगे, जब इन दोनों के आर थ्री और आर फोर के बीच में हमारा प्राइस मूव कर रहा है, तब हमारे कौन से ट्रेड बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड व्हेन द प्राइस प्राइस आर थ्री आर फोर इज द फर्स्ट ट्रेड, व्हेन द प्राइस गिव आर फोर ब्रेकआउट एंड गिव क्लोजिंग अबव इट इट अबव इट इट्स मीन द प्राइस इज स्ट्रॉन्ग। मीन्स अगर प्राइस हमारा यहाँ आर फोर के ऊपर चली जाती है कोई कैंडल और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है हमारी कोई कैंडल, तो इसका मतलब हमारा जो बैंक निफ्टी है वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रीच कर देती है तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग ट्रेड बन जाएगा। तो उस केस में हमारा स्टॉप टारगेट क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:1 एंड सेकेंड टारगेट होगा 1:1, 1:2। What I mean by 1:1 and 1:2 target is that कि अगर आपको R4 breakout मिलता है, कोई candle R4 से ऊपर closing दे देती है और next candle इसका high तोड़ देती है, जैसे ये इस example में हुआ है और इस example में भी हुआ है कि R4 हमें R4 breakout मिला और next candle ने इसका high breach कर दिया, तो हमारा target हम कैसे define करेंगे। What I mean by 1:1, आपको ये देखना होगा कि R4 और R3 में gap कितना है, कितने points का gap है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे R4 था हमारा 35,015 और R3 है हमारा 34,920, नियर अबाउट 95 पॉइंट का गैप है। अब इसे 100 मान लेते हैं कि नियर अबाउट 100 पॉइंट का गैप है, तो हम क्या करेंगे, हम 35,000 जो हमारा R4 है उसमें 100 पॉइंट प्लस कर देंगे, दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट व्हेन वी आर गोइंग फॉर द 1:1। और उसमें अगर हम 200 मतलब उसका डबल जितना भी गैप है अगर उसका डबल प्लस कर देंगे दैट इज आवर 1:2 टारगेट। तो जैसे इस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 35,115, क्योंकि मैंने इसमें 100 ऐड कर दिया 35,115, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पहला टारगेट इस कैंडल की हाई है 35,144, 144, तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ। फिर नीचे आया, फिर हमें दोबारा R4 ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि उसके बाद तो बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी अप मूव दी थी। तो आप अगर सेफ ट्रेडर है तो आप 1:1 टारगेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर है तो 1:2 टारगेट के बाद के साथ के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप 1:1 टारगेट के बाद अपना प्रॉफिट ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा, तो उससे आपका कभी आप मतलब उससे आपका ऐसे लिट नहीं होगा, क्योंकि कभी 1:1 टारगेट के बाद भी बैंक निफ्टी नीचे मूव कर जाती है, ठीक है। ये हो गया वन टाइप ऑफ ट्रेड, जब हमारा प्राइस है R3 और R4 के बीच में, तब हमारा पहला हो गया R4 ब्रेकआउट। दूसरा हमारा ट्रेड क्या बनेगा, R3 ब्रेकडाउन। R3 ब्रेकडाउन से मेरा मतलब है कि यहाँ पे प्राइस R3 और R4 के बीच में मूव कर रहा है और उसने कोई भी इसने R3 ब्रेकडाउन दिया, मतलब R3 के नीचे प्राइस चला गया, मतलब कोई भी कैंडल R3 के नीचे क्लोजिंग दे गई, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी वीक है, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड सोच सकते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल ने उसका मतलब फॉलोइंग कैंडल ने उसका हाई लो ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे हम एक अपना शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं R3 ब्रेकडाउन पे, जिस केस में हमारा SL स्टॉप टारगेट क्या होगा, पहले टारगेट बता देती हूँ, टारगेट होगा S1 और हमारा स्टॉप लॉस सेम होगा कि अगर कोई कैंडल R3 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच कर देती है, वो हमारा SL होगा, ठीक है। सो R3 और R4 के बीच में जब प्राइस है तो उस केस में हम दो ही तरह के ट्रेड ले सकते हैं, R4 ब्रेकआउट और R3 ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दो ही ट्रेड बनेंगे इस प्राइस के केस में, R4 ब्रेकआउट और R3 ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज हमारा थर्ड केस, व्हेन द प्राइस इज बिटवीन S3 एंड S4 के बीच में अगर प्राइस है तो हमारा पहला ट्रेड क्या बनेगा, पहला हमारा ट्रेड बनेगा S4 ब्रेकडाउन। S4 ब्रेकडाउन मतलब मैं अभी आपको चार्ट में बता देती हूँ, S3 और S4 से हमारा मतलब है जब प्राइस इन दोनों S3 और S4 के बीच में मूव कर रहा है, तो तब हमारा पहला ट्रेड क्या बनेगा, S4 ब्रेकडाउन। S4 ब्रेकडाउन मतलब अगर प्राइस S4 के नीचे चला जाता है, मतलब कोई भी कैंडल S4 के नीचे क्लोजिंग दे देती है रेड कैंडल, तो इसका मतलब हमारा बैंक निफ्टी वीक है, तो वी कैन थिंक अबाउट द शॉर्ट ट्रेड। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रीच कर देती है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। सेम इसमें भी हमारा टारगेट क्या होगा, 1:1 हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 1:1 और दूसरा टारगेट 1:2 और स्टॉप लॉस एनी कैंडल क्लोजिंग अबव S4 एंड नेक्स्ट कैंडल ब्रेक्स इज हाई।
व्हाट आई मीन बाय 1:1, आपने जैसे मैंने पहले बताया था 1:1 क्या होता है, आप देख लीजिए R3, F3 और F4 के बीच में जितना भी गैप है, जितने पॉइंट का गैप है, आप उतने पॉइंट F4 में प्लस कर दीजिएगा, दैट इज 1:1 टारगेट, और उससे डबल पॉइंट आप बैंक निफ्टी में अगर S4 में प्लस कर देंगे, दैट इज 1:2 टारगेट। और सेम हमारा स्टॉप लॉस, कोई भी कैंडल अगर F4 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच कर देती है, तो दैट इज आवर FL। ओके, सो दूसरा हमारा कौन सा ट्रेड बनेगा, दूसरा हमारा ट्रेड बनेगा F3 ब्रेकआउट। आई मीन बाय F3 ब्रेकआउट, अगर प्राइस कोई भी प्राइस, मतलब प्राइस F3 से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब कोई भी कैंडल F3 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रीच कर देती है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम एक अपना लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिस केस में हमारा टारगेट क्या होगा R1, पहला हमारा टारगेट होगा R1 और हमारा सेम स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई भी कैंडल अगर F3 के नीचे क्लोजिंग दे देती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रीच कर देती है, दैट इज आवर स्टॉप लॉस। इफ वी गिव S3 ब्रेकआउट एंड द गिव द क्लोजिंग अबव, इट मीन द प्राइस इज स्ट्रॉन्ग, वन कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड इफ here if the following candle break is high for the target of F1 and FL is the candle closing below the S3 and next candle break is low। ठीक है, सो अब F3 और F4 के केस में हम दो ही ट्रेड लेंगे, F3 ब्रेकआउट और F4 ब्रेक डाउन। ठीक है, सो दिस इज आवर टू टाइप ऑफ ट्रेड इन केस ऑफ F3 एंड F4, जब प्राइस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हमारे दो ही तरह के ट्रेड बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज प्राइस इज आउटसाइड द S4 एंड R4। जब प्राइस हमारा S4 और R4 के बीच अबव है, तो दैट केस हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, जब तक हमारा प्राइस S4 और R4, मतलब S3 R3 कोई रेंज में नहीं आ जाता है, जो हमने ऊपर तीन जोन डिस्कस करी हैं, R3 S3 R4 R3 और S3 R4, ये तीन, जब तक प्राइस उन तीनों जोन के बीच में नहीं आ जाता, तब तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, तो वी हैव टू वेट फॉर द ट्रेड। सो गाइस, दिस इज द रूल which I follow when I take a trade in the with the help of basic umbrella in the fair case of Nifty and Bank Nifty। So I hope आपको सारे rules समझ आ गए होंगे, अगर आपको कोई भी confusion है तो आप मुझे telegram पे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप comment section में भी लिख सकते हैं, तो I will try to answer your queries as soon as possible। So guys, have a nice trading session, thank you for watching my video, and if you like this video तो please do subscribe to my channel, like it and share it, and I'll share my daily trade and daily levels in my telegram channel, मैं रोज शेयर करती हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।